हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको स्टडी के वक्त नहीं करनी चाहिए। पहला चीज़, जब भी आप स्टडी करने जाते हैं वहाँ पे आप डिस्टरबेंस की चीज़ें ना रखें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब अपने से दूर रख करके बैठें स्टडी करने के लिए। या फिर कोई ऐसा रूम ढूंढ लें जहाँ पर शांति हो, घर के आवाज़ आप तक ना पहुँचे, ये आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड चीज़ जो आप लोग गलती करते हैं कि आप अपने नोट्स को रिवाइज़ नहीं करते हैं। अपने नोट्स को रेगुलर रिवाइज़ कीजिए। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको वो जो पढ़ाई की है वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। ये है सेकेंड मिस्टेक। तीसरा जो मिस्टेक करते हैं आप, वो ये होता है कि आप नोट्स नहीं बनाते हैं। आप सोचते हैं कि हाँ चलो मैंने पढ़ लिया, मुझे याद हो गया या मुझे समझ में आ गया, अब नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है। नहीं बच्चों, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप स्टडी करते हैं ना, आप थोड़े देर नोट्स भी बनाया कीजिए उसे। या सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप स्टडी किए हैं, कोई भी मान लीजिए एक पैराग्राफ ही स्टडी किए हैं, तो आप उसको क्या कीजिए, समराइज करके छोटा सा नोट्स बना लीजिए। इससे क्या होगा, वो लंबे समय तक आप याद रहेगी। नेक्स्ट गलती आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक असाइनमेंट है, बस उसी असाइनमेंट से आप पढ़ते रहते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है बच्चों, आपको अलग अलग सोर्सेस पे जाना है और अलग अलग तरह का नॉलेज लेना है उसी टॉपिक पे। आपको डिफरेंट बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको डिफरेंट लेक्चर्स देखनी चाहिए, आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स देखनी चाहिए। अलग अलग सोर्सेस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उसी टॉपिक को आप समझने की कोशिश करो। इससे उस टॉपिक के बारे में जो नॉलेज होगी ना, वो बहुत ज़्यादा आपको होने वाली है और लंबे समय तक आप उसे भूल नहीं पाएंगे और उस टॉपिक पे आप मास्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट मिस्टेक आप जो करते हैं बच्चों, वो ये है कि आप हर एक चीज़ को बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं। यानी कि आप टॉपिक पढ़ लिया, एक बार रीड कर दिया, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं बच्चों, हर एक लाइंस को आप अच्छे से समझो। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप डिस्कस करो अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ्स बना रहे हो ना, कि वो फॉर्मूला क्यों लग रहा है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों हो रहा, ये कॉन्सेप्ट को भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आप एक मिस्टेक करते हो। नेक्स्ट मिस्टेक आप ये करते हो बच्चों कि आप ब्रेक्स नहीं लेते हो स्टडी के दौरान। देखो, ये एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि कोई भी इंसान हो वो 45 मिनट तक ही कॉन्सेंट्रेट कर सकता है किसी एक चीज पे। तो आपको रेगुलर ब्रेक लेनी चाहिए। मैं तो अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप 30 मिनट्स पढ़ो और 30 मिनट्स के बाद ही आप मान लो 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इससे क्या होगा ना कि आपका माइंड चार्ज हो जाएगा। या फिर 45 मिनट्स पढ़ो और 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो, यानी कि एक घंटे में 45 मिनट्स ही पढ़ो, उसके बाद फिर से स्टडी करो। इसी पैटर्न को आप रिपीट करते जाओ, देखना आपका स्टडी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट गलती आप लोग में ये करते हैं बच्चों कि आप प्रैक्टिकल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। अगर स्कूल्स में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो यूट्यूब है, बहुत सारे सोर्सेस है बच्चों जहाँ पे आप प्रैक्टिकल्स सीख सकते हो, आप प्रैक्टिकल्स को देख सकते हो। नेक्स्ट गलती करते हैं आप लोग जो सबसे ज़्यादा कर रहे होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना। बच्चों, अगर स्टडी के लिए कर रहे हो तब तो चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टडी के अलावा अगर किसी चीज़ में सोशल मीडिया हो या गेम्स हो या किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हो ज़्यादा, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये आपके माइंड्स को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है बच्चों। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मोबाइल से दूर रखिए। जितना आपको यूज़ करना है बस मोबाइल को, उतना ही यूज़ कीजिए। ये मिस्टेक है आपका एक। और लास्ट मिस्टेक जो मेरे हिसाब से आप करते हो, वो है लेट से उठने की आदत और जंक फूड की आदत। लेट उठने वाले बच्चों में एक प्रॉब्लम देखा गया कि वो लेजी हो जाते हैं। और जंक फूड खाने से तो आपको पता ही है कि फैट बढ़ते हैं, तो आपको मोटापा आ सकते हैं, तो आप लेजी तो हो ही जाओगे। तो ये बात याद रखो बच्चों, ये सब गलती अगर आप बच जाते हो या ये सब गलती आप नहीं करते हो, तो आप अपने स्टडी को बहुत ही स्मूथली तरीके से कवर कर लोगे और लाइफ में एक अच्छा मुकाम भी हासिल कर लोगे।